सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 15 महर्षि चरक कबैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। चलिए आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के जो 117 ओपन करिए। श्रुत लेख उच्चारण दिया हुआ है मेरे साथ, आप लोग इसको इसका उच्चारण करेंगे। शताब्दी आयुर्विज्ञानी चिकित्सक निसंकोच जीविका च्यवनप्राश द्राक्षासव स्वास्थ्यवर्धक स्फूर्ति स्नानार्थी। ओके, ये तो रहा डिफिकल्ट वर्डों का, डिफिकल्ट शब्दों के उच्चारण। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है तो बच्चों आप लोग चैप्टर समझे हो तो इसका आंसर जो है मीटिंग में अवश्य बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। ओके, सही विकल्प के सामने ठीक सही का निशान लगाइए। चरक कौन थे? तो चरक कौन थे? आयुर्विज्ञानी थे। ख, किससे कोई बात नहीं छिपाई जाती? अध्यापक से, चिकित्सक से, वकील से, वन व दो, दोनों उत्तर सही हैं। तो अध्यापक से और चिकित्सक से हमें कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये दोनों सही हैं, हमें सही हो जाएगा। क्या करने से भूख लगती है, गहरी नींद आती है और कोई बीमारी नहीं पड़ता? तो क्या करने से भूख लगती है और गहरी नींद आती है? चार ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ है। काम करने से, आराम करने से, सोने से, दवाइयाँ लेने से। तो बच्चों, भूख लगती है और गहरी नींद आती है और कोई बीमार नहीं पड़ता, तो ये आंसर होगा काम करने से, है ना। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बिजी रहना चाहिए। काम करने से ही व्यक्ति के अंदर थकावट उत्पन्न होती है और भूख लगती है और गहरी नींद आती है और व्यक्ति का शरीर में किसी प्रकार से कोई बीमार नहीं रहता, नहीं बीमार पड़ता और क्या होता है, वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि काम करना भी क्या है, एक प्रकार से एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज पूरी तरीके से हो जाता है उससे। कैसा व्यक्ति औषधि नहीं लेता? जो बीमार है, जो स्वस्थ है, जो रोगी है, जो थका हुआ है। तो कैसा व्यक्ति औषधि नहीं लेता? जो स्वस्थ है उस व्यक्ति को औषधि नहीं लेना पड़ता। प्राकृतिक जीवन कैसा होता है? तो प्राकृतिक जीवन कैसा होता है? स्वास्थ्यवर्धक, कृत्रिम, है ना, स्वास्थ्यवर्धक, कृत्रिम, रोगी, संकटपूर्ण। तो सही क्या आंसर हो जाएगा? स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक जीवन होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 1 पाठ बोध का। महर्षि चरक अपने आश्रम में डेस बैठे थे तो विचार मग्न बैठे थे। डेस आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो चरक सही था। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर परिश्रम करके अपनी डेस चलाता है, जीविका चलाता है। नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रकृति। नेक्स्ट, लिखित प्रश्नोत्तर, तो इसका मैं नोटबुक पर आप लोगों को सेंड करूंगा। नेक्स्ट दिया है, ये विचार करें, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं? कोई चार बातें लिखिए। तो अभी लिखना तो नहीं, चूंकि आप लोगों को बताना है मीटिंग में और फिर उसके बाद लिखना है उसको, ठीक है। तो स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसको मीटिंग में जरूर बताइए। अध्यापक और चिकित्सा से कोई बात क्यों नहीं छिपानी चाहिए, तर्कपूर्ण उत्तर भी आप लोगों को मीटिंग में देना है। ये दोनों भी आप लोगों का होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट है भाषा से, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। चतुर से चतुरता, सुंदर से सुंदरता, समर्थ का सामर्थ्य, किशोर का किशोरावस्था, स्वच्छ का स्वच्छता, मजबूत का मजबूती। स्वस्थ शब्द विशेषण है जिससे भाववाचक संज्ञा शब्द स्वास्थ्य बना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पाठ में उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। आहार के लिए क्या हो जाएगा विशेषण शब्द? आहार कैसा होना चाहिए? तो पौष्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति स्वस्थ, ग्रंथ का श्रेष्ठ, वातावरण का विशेषण क्या हो जाएगा? स्वच्छ, चिकित्सक का प्रसिद्ध, आँखें तो अनुभवी, स्वर अनेक और औषधि गुणकारी। तो ये क्या हो गया, इन शब्द का विशेषण हो गया। ओके, विशेषण के बारे में मैं ग्रामर वीडियो बनाया हूँ, उसको वाच करिएगा समझने के लिए। और भी कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। नीचे दिए गए समस्त पदों के समास विग्रह कीजिए। दिनचर्या, दिन की चर्या, देश विदेश, देश और विदेश, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा का शास्त्र, चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श, विद्या भंडार, विद्या का भंडार, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। जब दो या अधिक शब्दों को पास पास रखा जाता है या मिलाया जाता है तो एक नया शब्द निर्मित होता है। तब दोनों शब्दों के बीच आए विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है।
अर्थात जो है उनका वो लुप्त हो जाता है, जैसे विचार में मन विचार मग्न। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है क्रियाकलाप। आप स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? कक्षा में साथियों के साथ विचार विमर्श करना है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखना है। परियोजना कार्य दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी है ना, इसके बारे में यदि कुछ डाउट हो तो पूछिएगा मीटिंग में। जीवन कौशल, घर में किसी बीमार सदस्य के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? नीचे दिए गए विकल्प पढ़िए और तर्क सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। बीमार व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान कराएंगे, उससे स्वस्थ वातावरण में रखकर कठोर परिश्रम करवाएंगे, उसकी सेवा सुसेवा करेंगे और समय पर औषधि देंगे। उसे खेलने कूदने के लिए कहेंगे ताकि उसे के शरीर में स्फूर्ति बढ़े। तो इसमें से चार विकल्प में से नंबर 3 सही है, उसकी सेवा सुसेवा करेंगे और समय पर औषधि देंगे। ओके, तो ये तो रहा आप लोग का एक्सरसाइज चैप्टर 15 का। इसमें यदि कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके, और इसको जो वर्क अब है बुक वर्क, उसको आप लोग कंप्लीट करिएगा।